हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है वो जियो फोन और जियो फोन 2 के कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करेंगे। और फिलहाल जो यहाँ पर जो है वो जियो फोन 2 का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है, उसके लिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में और कुछ इसकी और अदर डिटेल के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो जियो फोन के बारे में जो अनाउंसमेंट किया गया था जियो फोन 2 के बारे में, तो जैसे कि यहाँ पर जब उसे लॉन्च किया गया था, जब एनुअल मीटिंग था जियो का, तो इसके अंदर जो अनाउंसमेंट था वहाँ पर जितनी डिटेल्स जो है वो सामने आई थी, उससे तो ऐसे ही लगा था सभी को कि यहाँ पर जो पुराना हमारा जियो का फोन है वो यहाँ पर हमें एक्सचेंज करवाना है और नया फोन जो है वो ले लेना है 501 रुपये देकर। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ा एक जो है वो मिसकंसेप्शन था। दोस्तों, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, आगे और भी कुछ अदर डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। और प्रैक्टिकली जो कंसेप्शन मिसकंसेप्शन जो यहाँ पर निकल कर आया था उस वक्त में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उतनी ही थी, ऐसे क्लियर कोई भी कहीं पर भी ऐसे नजर नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आपको कोई पुराना फीचर फोन आपको जो है वो एक्सचेंज करना है और जियो फोन 1 आपको लेना है। बट यहाँ पर जो है वो कुछ चीजें अभी निकल कर आई है और ये सारे मिसकंसेप्शन जो है वो क्लियर हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी जो यहाँ पर नया जो जो सही उसका जो जियो हंगामा ऑफर जो है वो क्या है, तो नॉर्मली यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने जैसे अनाउंस किया था कि 21 जुलाई को जो है इसके एंट्रेंस बताने का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि वो अभी से शुरू हो चुका है। हाँ, मिलना आपको जो है वो थोड़ा लेट शुरू होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अभी आप जो है वो यहाँ पर जियो की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर जाकर जो है इसके लिए रजिस्टर आप कर सकते हो, या तो फिर जियो ऐप में जाकर इसके लिए रजिस्टर आप कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अब तक के कोई फीचर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आपको जियो फोन लेना है, तो जियो फोन आपको 1 लेना है या 2 लेना है। दोस्तों, जियो हंगामा ऑफर जो है वो जियो फोन 2 के लिए नहीं है, जियो हंगामा ऑफर जो है वो जियो फोन 1 के लिए है, मीन जो जियो फोन आया था उसके लिए। तो नॉर्मली इसमें करना क्या है, ये आपको किस तरीके से 501 रुपये में मिलेगा। तो नॉर्मली यहाँ पर जो दो चीजें यहाँ पर सामने आई है कि अगर आपको एक फीचर फोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको जो है वो जियो फोन में कन्वर्ट करना है, जियो फोन 2 में नहीं, तो जियो फोन अगर आपको लेना है, पुराना फोन आपका जो फीचर फोन है वो आपको जो है वो कंपनी को देना होगा, वो जियो को देना होगा, उसके बाद आपको 501 रुपये पेड करने होंगे। और यहाँ पर जो है आपको जो है वो यहाँ पर किसी भी रिटेल स्टोर में जाकर जो है जियो की आप जो है वो इस तरीके से आप एक्सचेंज में कर सकते हो। तो ये था एक जियो हंगामा ऑफर। इसी का दूसरा पोर्शन जो है, नॉर्मली अगर आप किसी फीचर फोन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और अगर आपको जियो फोन लेना है, मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपको जियो फोन लेना है तो फिर आपको कैसे करना है और क्या स्कीम्स यहां पर जो है, क्या स्कीम हमारे लिए होगी। तो दोस्तों, अगर आप जियो फोन लेना चाहते हो, जियो फोन, और अगर आप फीचर फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपको पहले की तरह 1500 रुपये ही इसके लिए पेड करने, जो आपको कंप्लीटली 3 साल के बाद जो है वो रिफंड होने वाले हैं। ये स्कीम जो है ये अभी भी शुरू है, यानी नॉर्मली यहाँ पर दोनों चीज़ें जैसे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम जियो फोन भी जो है वो उसका सेलिंग जो है वो शुरू रखेंगे और जियो फोन 2 भी जो लेना चाहे, जो ऑप्ट करना चाहे वो कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप जियो फोन 1 लेना चाहो या जियो फोन 2 लेना चाहते हो। तो नॉर्मली यहाँ पर जियो फोन 1 के बारे में दो चीजें मैंने आपको बताया, अगर आप पुराना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पुराने जो फीचर फोन है वो आपको 501 रुपये देकर जो है वो जियो फोन आपको दे दिया जाए। अगर आप कोई फीचर फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको पहले की तरह 1500 रुपये इसके लिए पे करने हैं, जो आपका एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह 3 साल के लिए होगा। फिर आपको जो है इसकी जितने भी उसका जो बॉक्स है, उसका जो जितने भी चीज़ें बॉक्स के अंदर आई है वो सारी चीज़ें, और उसी तरीके से फोन जो है ये आपको जो है वो अच्छी तरीके से 3 साल तक के इस्तेमाल करना है। फिर कंटिन्यूसली जो है इसको जो है वो जियो का रिचार्ज कर, जियो का जो भी इसके अंदर जो प्लान है वो इस्तेमाल भी करना है, इसको एक्टिव रखना है, और उसके बाद जो 3 साल में आपके 1500 रुपये रिटर्न होकर आप जो है वो फोन इसका उसको जो है वो जमा कर दीजिए। नॉर्मली यहाँ दूसरा जो जियो फोन 2 जो है इसके लिए क्या स्कीम है, तो इसके लिए जो फिलहाल अभी जो है, एक तो आपको जो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए किसी भी तरीके का कोई रिफंड का एक जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं है। और यहाँ पर जियो फोन 2 अगर लेना है तो जियो फोन 2 जो है वो 2999 रुपये का है, यानी 3000 रुपये का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हमें पड़ता है। तो नॉर्मली इसके कुछ स्पेक्स जो पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अब इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको जो है दोनों की कंपेरिजन में ये भी बताने वाला हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है और अब क्या लेना चाहिए आपको, जियो फोन 1 या 2, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक कुछ सेकंड के बाद जो है वो इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर जियो फोन 2 जो है इसके अगर की स्पेस की अगर हम बात करें, तो नॉर्मली यहाँ पर
इसके अंदर जो है कंपनी ने 2.4 इंच का जो है यहाँ पर डिस्प्ले लगाया है। उसी तरीके से 512 का रैम है, 4GB का इंटरनल स्टोरेज है जिसे आप माइक्रो एसडी के जरिए जो है वो 128GB तक के जो है वो एक्सपांड कर सकते हैं। उसी तरीके से जो है इसके अंदर एक रियर कैमरा भी दिया है जो 2 मेगापिक्सल का है, जो VGA कैमरा है। उसी तरीके से यहाँ पर 512 इसके अंदर रैम लगाई है और अदर कनेक्टिविटी भी यहाँ पर जो है वो कंपनी ने इसके अंदर दी है। दोस्तों यहाँ पर जो है ये डुअल सिम फोन तो है, लेकिन यहाँ पर जो ये फोन में जो है वो एक आपका जो पहला स्लॉट है इसके अंदर आपको जो है वो 4G जियो का सिम ही चलाना है और दूसरा जो है वो सिर्फ 2G है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है आप पहले जियो सिम ही आपको डालना रहेगा, उसके बाद जो है वो कोई भी फोन आप 2G चला सकते हैं। इसके अलावा जो है 3G 4G जो है ये दूसरे स्लॉट में नहीं लगा सकते, ये भी चीज यहाँ पर जो है वो क्लियर कर लेनी है। उसी तरीके से अदर कनेक्टिविटी ब्लूटूथ वाईफाई GPS वगैरह और भी अदर कनेक्टिविटी इस फोन के अंदर दी है। बैटरी बैकअप जो है इसका 2000 mAh का दिया हुआ है जो फीचर फोन के हिसाब से जो है वो सफिशिएंट है। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन था कि जियोफोन 1 देकर, यहाँ तक कि अगर आपने कोई वीडियो अगर देखा होगा मेरा भी, तो स्टार्टिंग में जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी उसके हिसाब से मैंने भी आपको ऐसे बताया था कि जियोफोन 1 आपको जो है वो देना है, जियोफोन 1 सबमिट करके आपको 500 रुपये देकर जो है वह जियोफोन 2 जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें इसके बारे में थी। अभी बात कर लेते हैं कि जियो वन आपको लेना है, जियोफोन 1 लेना है या पुराने वाला, या तो फिर JioPhone 2 आपको लेना है। तो दोस्तों यहां पर इसके अंदर कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। मैं आपको सीधी-सीधी बात जो है वो बताता हूं कि यहां पर इसके अंदर थोड़ा सा इसका जो डिस्प्ले है वो यहां पर जो है इसको जो है वो रोटेट कर दिया है। तो पहले हम देखेंगे कि यहां पर इसका जो हाइट जो है वो ज्यादा था, विड्थ कम था, अभी जो वो विड्थ है ना थोड़ा सा इसको लैंडस्केप स्टाइल में जो वो कर दिया है तो हॉरिजॉन्टली कर दिया। तो यहां पर जो है इसको जो है इसमें ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। क्वालिटी कीबोर्ड है, पहले जो वो बटन थे पुश बटन यहां पर कंपनी ने लगाए थे और यहां पर जो फिलहाल अभी क्वालिटी कीबोर्ड जो है वो इसके अंदर है और कुछ अदर जो है वो एप्लीकेशन का सपोर्ट इसके अंदर दे दिया है। तो दोस्तों यहां पर दोनों में क्या हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है? अगर आप नॉर्मली इसे ऑप्शन फोन की तरह इस्तेमाल करने के लिए अगर आप खरीद रहे हो तो मैं आपको तो रिकमेंड करूंगा कि आप जियो फोन ही लीजिए। मतलब जियो फोन 2 अगर हम लेते हैं तो जो है वो 3000 रुपये तो हमें पे करना ही है, तो फिर ऐसे में जो यहाँ पर हमारा ज्यादा खर्चा होता है और जियो फोन अगर हम लेते हैं तो ये स्कीम जो पहले थी जो रिफंड की है वो अभी भी होगी। दोस्तों यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही कंपनी कि कस्टमर जो है वो दूसरे नेटवर्क को छोड़कर जो है वो जियो को अपनाए? तो इस तरीके से जो जियो हंगामा ऑफर का तो एम यही है कि नॉर्मली जितने भी अदर नेटवर्क है, क्योंकि जब वो जमा हो जाएगा तो नॉर्मली जियोफोन 1 के अंदर जो है आपको एक सिम कार्ड जो मिल रहा है उसके अंदर आपको जो है वो जियो का ही लगाना कार्ड जो है वो लगाना होगा, दूसरा तो आप लगा नहीं पाओगे। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ मिसकंसेप्शन था जो फिलहाल मैंने आपसे शेयर किया। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको बताई आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने अब तक के टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।